गांव में शादी है कि आवे, अगर आपको यकीन ना हो तो एक काम करके देखना, गांव में काउ छोरा की शादी है कि आवे, कोई लल्ला अपनी शादी करके लावे, और तब बहुरिया नहीं नहीं आवे तो बहुरिया की मोह दिक्रोनी होवे गे नहीं, मोह दिक्रोनी होवे गे नहीं। हो दो लेडी दे मोह देखन को जा रही और दो लेडी दे मोह देखे हो आ रही, विरासता मिल गई, काय जीजी कहां गई थी, अरे वो नहीं उनको हरीश को छोरा शादी कर लायो है, बहुरिया देखने गई थी, अरे देख आई, बोले हाँ अरे बहना में तो काम में बहुत बिजी है गई, मैं तो अब जा रही हूँ देख ले, तू देख आई, बोले हाँ काय बहू कैसी है, अबे का बोले ठीक है बहू, हस्त पुष्ट है, रंग रूप की ठीक है, कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसो लगत है, मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत में लेकिन किंतु परंतु अगर मगर जरूर लगाएंगी, बोले बहू बहुत सुंदर है, रंग रूप की ठीक है, हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल बहुत ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है बहू की थोड़ी सी बीच में नाक पे चगी वही है। दूसरी बोली चल नाक तो कहीं तक सही है, बोले फिर नाक तो सही है, बोले फिर ऐसो लगता है कि बहू के दांतन की बत्ती सी थोड़ी सी बाहर को निकली वही है, मतलब ये नहीं कह सकती बहू बहुत सुंदर है, अगर ये कह दिया ना बहू बहुत सुंदर है तो जो जरूर कहूंगी बहू बहुत सुंदर है, कोई कमी ना, लेकिन लंबाई कम है। हाँ। तो बाबा प्यारे शक्ति लिख रहे हैं, रंग भूमि जब सीप उधारी मोहे देख सकल नर नारी, स्त्री स्त्री की सुंदरता को देखकर कभी मोहित नहीं हो सकती। अच्छा आपको ये भी बात पर यकीन न हो तो एक काम और करके देखना प्यारे, काफी लोग अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, शाम को अपने अपने घर जाना, अपनी पत्नियों से कहना जी सुनती हो, बोले हाँ, अरे आज मैं तो को कहा बताऊं, वो बाबूजी है ना परीक्षित, बोले हाँ उनकी बहुरिया आज इतनी अच्छी साड़ी पहन के आई, इतनी अच्छी लग रही, मैं तो को कहा बताऊं, तो एक ही जवाब मिलेगा ना का करवे को बाई करे चले जाते। तो प्यारे ये बिल्कुल सत्य है कि स्त्री कभी स्त्री की बड़ाई सहन नहीं कर सकती। अच्छा एक चीज और देखी होगी माताओं में आपने, घर में लड़ाई आ रही हो, गुस्सा में आएगी पति को खूब जैसी मन में आ रही हो तैसी कह रही हो, और पति ने एक बात कह दी, पति ने कुछ एक जवाब दे दो, पत्नी कहा कहेगी मोहब्बत खुलवा बताए देते हैं, मतलब दो घंटा से कहवे में कोई कसर ना छोड़ी, और पति ने एक बात कह दी तो जो करी मुंह मत खुलवा बताए देते हैं। अच्छा एक चीज और देखी होगी आपने, माताएं दो घंटे पहले से तैयार हो रही हो, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खड़ी, ड्रेसिंग के सामने खड़ी खड़ी दो घंटे पहले से तैयार हो रही हो, और पति ने आकर कह दिया जल्दी करो लेट हो रहा हूं फोन आ रहा है, फिर ये तो 10-5 मिनट लेके निकलेंगे अंदर से, 10-5 मिनट बाद और पति देव और जे मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पति कहे आज बहुत अच्छी लग रही है तू, तो पति कहे आज अच्छी लग रही है, तो फिर बताए क्या कहे, थोड़ी देर और रुक जाते तुमने तो जगह, जल्दी करो थोड़ी देर और रुक जाते फिर देख रहे। अच्छा अक्सर मैंने देखा है इस बात को माताओं के अंदर होता है, बोलिए गोविंद भगवान की, सही बात है, बोलिए गोविंद भगवान की। तो अच्छा बाबा ने ये फिर क्यों लिखा, रंग भूमि जब सीप उधारी और मोहे देखी सकल नर नारी, रंग भूमि में अब समझिए प्यारे, कुछ देर पहले भी मैंने बोला था एक चौपाई के अर्थ अनेक हैं, अब समझिए, रंग भूमि जब सीप उधारी, रंग भूमि में सी सीता ने पैर रखा, इधर पग उधारी भगवान श्री राम ने, जब से नारी अहिल्या तारी तब से गुरु ने नाम धरो पग उधारी, पग उधारी कहती भगवान श्री राम को, इधर से सीता जी ने वरमाला लेके पैर आगे बढ़ाया, उधर से राम जी
सीता को देखकर नर और राम जी को देखकर नारियां मोहित हो गई। वाह क्या जोड़ा है। तब लिख रहे हैं बाबा, रंगभूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देखी सकल नर नारी, सकल नर नारी। प्यारे अब लल्ला की उम्र है 14 वर्ष की और लल्ली की उम्र है 5.5 वर्ष की। आजकल कोई इतने डिफरेंस वाले लल्ला तभी बिटिया की शादी करेगा? कोई नहीं करेगा। आजकल तो माँ बाप चाहते हैं लल्ली है गई 20 साल की तो लल्ला 18 साल को मिल जाए, चाहेंगे नहीं। पहले का बड़ा अच्छा नियम था, बड़े अच्छे संस्कृति थी हमारे भारत की, आज तो लुप्त होती जा रही है। शिष्टाचार नाम की चीज नहीं रही हमारे भारत में प्यारे। पहले अगर बेटियों की शादी की चर्चा भी चलती थी ना तो बेटी सुनकर रो करके उठ जाती थी वहां से, है ना। और पहले बेटी के जीवन साथी को देखने के लिए लल्ली के पापा वगैरह नहीं जाते, नाई पंडित पर डिपेंड कर देते थे। अब धीमे धीमे बेचारे नाई पंडित कुन्ना में बैठ गए, धीमे धीमे लल्ली के बाबा पापा ताऊ चाचा भैया सब जान लगे। अब धीमे धीमे लल्ली के पापा ताऊ चाचा भैया कुन्ना में बैठ गए। अब को जा रहे हो लल्ली लल्ला को लल्ला लल्ली को। और प्यारे जो नाजायज सवाल हैं वो किए जा रहे हैं, जो सवाल करनी योग्य है वो नहीं किए जा रहे हैं। एक गांव में एक लड़की देखने वाले गए।